रोल ऑन ठीक है तो वो मैंने जो ग्रेफाइट ग्रे नहीं होता यार वैसे नहीं। मेल्स के बारे में है ये है ना कि मेल्स को सिर्फ ये पता होता है कि रेड ग्रीन येलो ब्लू पर्पल और जो फीमेल्स हैं उनके पास पूरी वो कैटेगरी होती एक है ब्लू पिंक, में भी एक बेबी पिंक आज कोई एक्सक्लूसिव गेस्ट नहीं है आज पहली पुराने, पुराने बात नहीं। नहीं अच्छा, कल का जो फीडबैक था वो मुझे आपसे लोगों ने इरादा किया कि हम हराम छोड़े अलहमदिल्ला पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी और दूसरी बात यह है कि म्यूजिक छोड़ने का इरादा किया क्योंकि जब इंसान को हक की पहचान हो जाए ना फिर क्वालिटी बड़ी क्वालिटी है कि फौरन से ऐलान कर देना आप कुरान आज तल तलाबी में अक्सर लोग पढ़ रहे हैं और कुरान में ज़्यादा पढ़ते भी हैं लोग वैसे सरा साल पढ़ना चाहिए लेकिन अल्लाह तला अभी कहते हैं कि जितना ज्यादा मतलब हक को जानने के बाद जब इंसान तस्लिम कर लेना जैसे आज मलिका सबा का जो जाक था सोमान के साथ उनको पता चल गया ये हक है फौरन से मान ले आई लेकिन को और आद को और साले को आयात आने के बाद उनका जानते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार किया क्यों वसल्लम की तकबर है ये जब हक बात पता चल जाने के बाद उसके बावजूद उसको डिनाई करते हैं हमारे यहाँ तकबूर का सिर्फ ये समझा जाता है की अपने से किसी को हकीर जानना है ना हालांकि तकबर के दो माने दूसरा ये वाला जो मीनिंग है ना ये बड़ा पावरफुल मीनिंग है और अक्सर लोग इसमें हैं

उसको अबुल हकम कहा जाता था बड़ा समझदार आदमी वो समझदार आदमी ये दुआ करता था कि या अल्लाह अगर तो, तो ये हक है ना तो हमसे आसमान पर पत्थरों की बारिश फरमा

और ये ये डिफरेंस में और में यही डिफरेंस है मेरे कि हम लोग इतनी ज्यादा मालूम होने के बावजूद मैं नॉलेज नहीं बोलूंगा नॉलेज वो होता है जिसके ऊपर अमल किया जाए मैं हम लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत होती है और इतनी ज्यादा इनफॉर्मेशन होने के बावजूद अमल हमारा जीरो होता है उसके ऊपर और साहबा के अंदर ये डिफरेंस है कि उनको अगर इतनी सी बात भी होगी ना तिनके के उनका अमल पहाड़ जैसा होगा और हमारे पास नॉलेज और होती है, हमारा तिनके वो लेंगे अपनी जिंदगी में अगली आयात नहीं पड़ते दिल बहुत खुश हुआ इन बातों को सुनकर ऐसे लोग हैं जो की अल्लाह की रजा के लिए अपनी Uh, यानी अपनी मोहब्बत को और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और डेफिनेटली और लोग भी होंगे लेकिन शैतान यू नो डिलेज शैतान डिलेइंग टैक्टिक्स कि अभी नहीं कुछ रमजान कुछ रोजे और रख लो या देख लेना बाद में कुछ कर लेना लेकिन सुबह अल्लाह वो तरीका निकाल लो निकालो निकाल लो ठीक है लेकिन भी तो उठाओगे ना हाँ सर भी हाँ सुबह ये भी होता है कि लेकिन उसकी वजह से मैं अल्लाह से बहुत करीब हो गया हूँ मुझे कुरान में वो जो मुझे वो कुरान पढ़ के सुनाती है मुझे फजर पे उठाती है और सुभान अल्लाह हमने ना शैतान ने किससे से बेवकूफ बनाया हमें कि रॉन्ग मीन्स डोंट मेक राइट हम्म ठीक है और आप इस्लाम में ऐसा नहीं है कि आप बस नमाज पढ़ रहे हो चाहे जिस तरीके से आप जो है ना अल्टीमेटली गोल तक पहुंचो जस्टिफाई well, exactly. hmm. hmm. तो हम लोग अनफोर्चुनेटली कर रहे होते अच्छा लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि शैतान के जो इस तरह के ट्रैप्स है ना उनको उनके बारे में वैसे हम थोड़ा सा करना चाहिए कि शैतान के

क्योंकि शैतान को पता होगा कि अगर ये कम फजीलत वाले अमाल करेगा ना तो ये वो बड़े अमाल नहीं कर पाएगा और अगर मैंने इसको इन कम निकी वाले अमाल में ना लगाया तो ये फिर बड़े अमाल की तरफ चला जाएगा मतलब शैतान कभी कभी आपसे नकियाँ भी करवाए ताकि आप बड़ी नकियाँ ना करो बिल्कुल बिल्कुल और हर बंदे की ना वीकनेस डिफरेंट होती है बल्कि एक हदीस में आता है नो उसकी रवायत की सेहत क्या है मुझे चेक करनी पड़ेगी आई थिंक इट्स ऑथेंटिक शैतान ना इंसान को स्मेल करता है सूंघता है जब इंसान पैदा होता है उसके देखो उसकी वीकनेस क्या है और जब उसको वीकनेस क्योंकि कि किसी की माल है किसी की औरत है किसी की तकबर है हमें इनबॉक्स में, में ऐसे भी आते हैं कि तो अभी मेरा सबसे बड़ा जो वो है ना मसला वो ये है कि लोग <coughs> दे, देखें लोग मुझे जाने लोगों को मेरा मैं अच्छी आमाल अपने बताऊ सुबह हाँ और उन शख्स का मैसेज था कि मैं मुझे भी था ना कि सारा के मैं ये करता हूँ तहज ये वो सारा तो मैंने कहा चलें ठीक है अभी अपना इशू बताएंगे और उनका इशू ये था कि आई वॉन्ट पीपल टू नो अबाउट यू नो पाइटी कुछ लोगों का इशू माल है कुछ लोगों का इशू वसवास है कुछ hmm. का इशू औरत है इवन सलिन यह भी कहा करते थे कि अगर आप हमें सोना और चांदी के ढेर के ऊपर अमीर बना दो इमानत वाला बना दो तो वी डोंट फियर ऑन आवर सेल्व की हम माल में ख्यात नहीं करेंगे hmm. लेकिन अगर आप हमें एक लोंडी पे भी गुलाम औरत भी जो कि बिल्कुल खूबसूरत नहीं है उस पर भी अगर अमीन बनाओ ना हमें डायरेक्ट हम फिसल जाएंगे क्योंकि हर बंदे का फितना डिफरेंट होता है बिल्कुल सो so, और जितना बड़ा फितना जिस शख्स के लिए होता है ना उतना ही उसको छोड़ने के लिए बहुत बड़ा ईमान चाहिए होता है मतलब द द हायर लेवल ऑफ फितना इट इज द हायर लेवल ऑफ ईमान यू नीड एंड वेन यू लीव इट अल्लाह ताला भी आपको एक वो स्वीटनेस और लज्जत देंगे ना कि आपको मिलता मिलता है है वो अजर जो करेंटिफाई करना है ना मेरे ख्याल से

और जहां तक हो सकता है मैं नाम खातन से दूर रहूं या उस जगह पे मैं ना उससे गुजरू लिख लें अपने मेरा फितना नजर है सही बात औरत है और अगरबुद्दी सब ये ले लिख ले। लें और फिर मुझे क्या क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए मतलब मैंने नजर उठा के इसलिए भी नहीं देखनी दीनदारों के साथ शैतान आता है जो लोग दीन पे या मोहब्बत करते हैं मैं देखूं तो सही फितना कितना आम है आजकल क्या आजकल उम्मत का दर्जा हरारत ईमान का कैसा है अपडेट रहने के लिए और पे शैतान उसी तरह से, से कि शैतान भी ना खैर की की बात करके मैं तो उम्मत के हालात तो देखूं क्योंकि मुझे पता लगे अच्छा हैदर और शेख अली आपसे पूछता हूँ कि क्या हमारे जो यूथ है या वैसे ये शेख भी डिफाइन कर दें कि हम आपस में एक दूसरे को शेख शेख कहते हैं समझते <laughs> हैं कि यार दे आर स्कॉलर्स यू नो नहीं नहीं शेख <laughs> तो ये शेख मुख्तलि के अकसाम के शेख होते हैं यू नो शेख के शेख हां एप्पल शेख बनाना शेख 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 हैं हां वो शेख होते हैं जो उलेमा शेख होते हैं यू नो जो वाकई इल्म वाले लोग होते हैं यू नो दैट क्या कहना चाहिए? के के लिए। हाँ। और आप हमसे बड़े हैं 40, 50, 50 के थे। हाँ 60, स, था सो, है. <laughs> 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 तो इसलिए आप कहते हैं। <laughs> तो हम तो भी थर, 30's में भी भी में नहीं नहीं सो बात क्या हो रही थी ऐसे?

So, Heather, identity crisis, self -worth कितनी लो हो चुकी है है ये, मसला ये नहीं है, और इस हर बंदा प्यार एक रीजन नहीं होती हम लोग अक्सर ना चीजों को ब्लैक में देखना चाहते हैं है। कभी भी कोई भी मामला जिंदगी में ब्लैक में, में नहीं होता एरिया और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उसके फायदे भी होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं इसमें मैं समझता हूँ कि जो एक बहुत बड़ा रीजन है ना हमारे आज

मेरे वजूद के प्रेजेंट होने का तसली बख्श और रूह को इतमान देने वाला जवाब यह है आइडेंटिटी के बारे में जानना मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूँ या ना करता हूँ इसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए जो जो लोग कहते हैं ना मैं एग्जिस्ट करूँ या ना करूँ दे आर सफरिंग थ्रू दिस क्राइसिस मेरी एग्जिस्टेंस या मेरी नॉन एग्जिस्टेंस आर द सेम लेकिन जो शख्स को ये दिल को और रूह को सेटिस्फाइंग जवाब मिल जाना कि वाई एम आई एग्जिस्टिंग दिस वर्ल्ड मैं यहाँ पे मौजूद क्यों हूँ hmm. ये बेसिकली वो शख्स है जो कि अपने आप को और अपने वजूद को जानता है बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि ना मैं नहीं समझता ये रिसर्च hmm. कहती हैं और साइकोलॉजिस्ट uh, कहते हैं कि इंसान की ना कुछ बेसिक नीड्स होती हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं hmm. जब वो पहले से दस साल के बीच में होता है ना वन टू टेन ईयर्स कुछ लोग के बीच में उनका सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होता है उनके जहन में हाउ एम आई लुकिंग बाथरूम वो तो खैर बाथरूम सेल्फीज शुरू होती है मेरे ख्याल में टेन प्लस में अच्छा लेकिन ये बल्कि आई थिंक सबसे पहला ये सॉरी एक्टली टेन टू ट्वेंटी के बीच में होता है how

साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है बिल्कुल कि मुझे कोई नोटिस कर रहा और जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स नोटिस नहीं करते वो आइडेंटिटी क्राइसिस का सफर करते हैं वो लैक ऑफ सेल्फ स्टीम और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं सारी जिंदगी के लिए फिर वो लोगों के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे वो नोटिस करें उन्हें यानी मर्द बड़े यू नो you know, ऐसी क्लोथिंग करें विच स्टैंड आउट द मोस्ट विच इज एल्योरिंग विच इज यू नो विच लुक्स डिफरेंट सेल्फ प्रेज की बीमारी जो आती आती है है और फेम भी यू you नो know, वो सब घर आती आती। में है बाप भाई अपने शोर के सामने बिल्कुल तैयार नहीं हुई भी। लेकिन जब बाहर निकलेंगी तो मेकअप और यूनिवर्सिटी जा रही हैं तो मेकअप ऐसे किया हुआ कि एम आई नोटिस ठीक है और दूसरी चीज जो इंसान को होती है जो सात से बीस साल या दस से बीस साल के बीच में आती है वेदी करती है लोगों में वो यह के हाउ एम आई लुकिंग यानी हाइट सेल्फ कॉन्शियसनेस कि मैं कैसा हूं मैं कैसा टाइम गुजार को ना बेलॉस मैं जैसे भी लग रहा हूं लोगों की, या मुझे लोगों की नहीं चाहिए अपने को मनवाने के लिए आई नो माई कैलेबर इंड स्टेटस लेकिन आपको नहीं लगता ये चीजें जो है ये तो इन्वायरमेंट से असरअंदाज होती हैं आपको लगता है कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं कि जो इन

जड़ एंड कोर ऑफ ऑल बाप काम क्या हाँ, मा है माँ तो तो मा बाप का ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है की उसको अच्छा डिग्री दिलवा दे या उसको इंजीनियर डॉक्टर बना दे माँ बाप का सबसे बड़ा रोल ये है की उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो उसकी सेल्फ वर्थ डिफाइंड हो और वो कॉन्फिडेंट क्रिएटिव और

गालम क्लोच वाला माहौल बदतमीजी वाला माहौल और दूसरा माहौल वो है कि जो बेगम को पूछना ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना जो वो कहेंगी जी यस सर इसके बीच वाला जो जो रास्ता है ना जो रजुला का जो कॉन्सेप्ट है हुँ. वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमें अपने यंग बच्चों को लड़कों को समझाना की मर्द होता क्या हुँ. रजुला का जरा ब्रेक डाउन भी करेंगे कि इज क्योंकि ये एक्सप्लेन करेंगे एवरी मेल नॉट अ मैन एग्जैक्टली एवरी मैन इज अ मेल ये एक बड़ा डीप कांसेप्ट है डिटेल में एक्सप्लेन कुरान भी इसमें एग्जांपल्स hmm. आती हैं hmm. अच्छा सो तो हम जो बात करते हुए कि इश्क में और प्यार है क्यों मब्जला होता है इंसान ना क्योंकि उसकी लो सेल्फ एस्टीम होती है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होता है वो अच्छा एक तीसरी चीज भी ये कि जब ये जो ये होती है तकरीबन ये भी 10 से 20 साल में आती है या फिर 25 से 30 साल में भी आती है इंसान में कि व्हाट माय कंपनी थिंक्स ऑफ मी ये मैं अपने से नहीं कह रहा

अकेले टाइम गुजारना सबसे इसका सबसे प्लेज़रेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए सही बात कि वो अपने आप की कंपनी को एंजॉय करे, अपने आप को जाने अपने आप को सेल्फ लेकिन जो शख्स अकेले में अपने आप को एंजॉय करता है ना हंसता है बात करता है सेल्फ टॉक करता है वो पागल होता है वो, वो <laughs> आजकल पागल होता है लेकिन ये बहुत बड़ी क्वालिटी है सही सही मतलब I जो अपने से बातें करें तीसरी चीज है ना वो फिर उसका ना वो जो समझ लें वो जो सोचिए वो मेका बन जाता है उसका सही बात है अगर जैसे औरत का एक मेका होता है ना अगर हस्बैंड मेके के खिलाफ बात करे तो औरत हस्बैंड से दूर होती है मेके से दूर नहीं होती अगर माँ बाप या कोई भी ऐसा शख्स सच्चा प्यार करने वाली अगर हो ना तो हस्बैंड मैके को छोड़ देती है हस्बैंड के साथ हो जाए लेकिन सच्चा प्यार में माते उन्होंने पॉइंट क्या, क्या हाँ। उन, उन्होंने कहा है कि अगर वो मैका रगड़ा गया बीच में मैके रगड़ा है बीच में ना तो वो फिर इसी तरह से जब माँ बाप कहते हैं ना तुम्हारी कंपनी एसोसिएशन ठीक नहीं है तुम्हारे दोस्त ठीक नहीं है

हम सोच नहीं सकते हैं। आप जा रहे हैं और एक छोटे साहबी छोटे से यंग अबू उमेर जा रहे हैं आप उनके पास जाते हैं और बैठते हैं और नोटिस करते हैं कि वो जो चिड़िया अपने स्लीव में लेके फिरते थे वो नहीं आज और कहते हैं बैठते हैं कहते हैं या हबा उमेर माँ ख़ैर तुम परेशान लग रहे हो तुम्हारी जो चिड़िया थी अबू उमेर वो कहा गई एक बच्चे को भी मतलब उसने बच्चे ने क्या देखा माँ बाप ने किया की थी जावेद ने अपना कंधा दिया तो हमने उसे कंधे पैसा रख लिया exactly. और कि जावेद तो नोटिस करता है मैं परेशान हूँ मेरे माँ बाप ने तो नोटिस नहीं किया मेरे दोस्तों ने नहीं किया इसको ना साइकोलॉजी के अंदर ये बाकायदा से वो बच्चे जिनको बचपन में जो थियरी कहती है वो बच्चे जिनको बचपन में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला हु दे लीन ऑन या वो शख्स जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकें वो बच्चे बड़े होके उनको मेडिकल कंडीशंस भी हैं उनको साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं वो अपने करियर में भी बनस्बत दूसरे बच्चों को जिनको वो बंदा मिला है उनसे पीछे रहता हैं और वो शख्स क्यों है उसकी रीजन उन्होंने बताया रीजन एक थी उस टाइम पे जब वो बच्चा छोटा है नाबालिग है वो वो बच्चा टाइम होता है बच्चे की एक्सप्लोरेशन का और दुनिया को सीखने का अब वो जो सीखने का टाइम है ना उसका उस सीखने के के टाइम अंदर उस बच्चे को जब तक पीछे से एंकर नहीं मिल रहा ना उसको पता है यार मैं अगर दुनिया के अंदर कुछ भी सीखते हुए कोई गलती भी करता हूँ ना आई आईवेज है मुझे पता है मेरी माँ मेरी बैग पे है मैं कुछ भी कर लूंगा ना वो मुझे आके बचा लेगी उन बच्चों को जिनको बैक पे किसी किस्म का कोई एंकर नहीं मिलता पता है कि मेरी माँ मुझे सपोर्ट नहीं करेगी या मेरा बाप मुझे सपोर्ट नहीं करेगा इफ आई मेस अप समथिंग वो बच्चे कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाते दुनिया को जब वो कभी दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाते ना वो दुनिया को जानते हैं ना वो अपने आप को, को जानते हैं ना वो अलग और ना वो अलग को जानते हैं और वो सारी जिंदगी इसी तरीके से एक फेलियर के तौर पे हर फील्ड के अंदर गुजार के जिंदगी चले जाते हैं कमाल है यार और वही जो है ना वो फिर लो सेल्फ एस्टीम का शिकार रहते हैं और फिर जब किसी औरत को कोई शख्स कह देना कि आप खूबसूरत है

अब इसको जाने नहीं देना है इस, इस जी पकड़ लो कैश, कर इसको। कैश करो और फिर वो वो क्या होता है कि वो जो अच्छा इस्लाम में ना तारीफ को और इसराफ को बड़ा होल्ड किया गया और प्रेज नहीं किया गया बिल्कुल तारीफ को दबाया गया कि तारीफ मुंह ना करो और इसराफ को लेकिन सुबह देखें मिया बीबी के करो, करो, करो। तो खूबसूरत अच्छा नहीं, नहीं लग रही आप तारीफ कर सकते हो और ज्यादा करो है और बीवी पे इसरा करना यानी सदगा कहा गया है उसको वो इसरा नहीं कह रहा मैं लेकिन बीवी पे खर्च करना उसकी नीड को पूरा करने के लिए

आ, वो करता है आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को घर में बहुत ज्यादा प्यार मिलता है और जो इन चीजों से नहीं गुजरते वो प्यार में नहीं पड़ते नहीं ये एक नहीं। नहीं। और, नहीं। डिस्कस करने से पहले अगर हम जो ब्रेकअप आ जाए क्योंकि अगर हम इसको डिस्कस करते रह गए तो ये हमारा घंटा हो जाएगा तो ब्रेकअप के लिए जिसका हैदर आपसे आप दोनों सवाल करता हूं एक लड़की है या एक लड़का है जिसको प्यार था और वो हराम था चले ठीक है लेकिन समझ नहीं थी उसको hmm. और उसको जो उसके या फ्य नहीं भी है एक रिलेशनशिप है उसने डिच कर दिया धोखा दे दिया hmm. अब वो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं एंजाइटी में हूं मैं मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है इसने मुझे him, her, जो भी है। अब मैं जिंदगी के लो लाइफ में हूं कैसे निकलूँ मैं क्या करूं मैं क्या बताएं मेरी हेल्प करें मैं एहसास के लिए मुझे गुनाह था ये मैं अल्लाह की तरफ आना चाहता हूँ और साथ साथ में से निकलूँ कैसे कि ये मुझे डिप्रेशन खाया जा रहा है मुझसे निकलने जा रहा, क्या रहा है वैसे जिन लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं ना वो लोग ज्यादातर अल्लाह की तरफ आ जाते हैं और दीन की तरफ आ जाते हैं और ये उनके लिए ना एक वैसे तो बर्बादी समझी जाती है जैसे हम कल बात कर रहे थे कि डिस्ट्रक्शन समझा जाता है लेकिन अच्छा असल में बहुत अच्छा साबित होता है किसी बंदे के लिए तो मेरे ख्याल से तो किसी भी एडिक्शन को छोड़ने के लिए ना तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं सबसे पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट होती है कि आप ये देख लें कि उसकी नेगेटिविटीज़ क्या हैं उसके नेगेटिव असरात क्या हैं ठीक है आप रिलेशनशिप आपका हराम रिलेशनशिप आप इसी के बारे में ज़रा स्टडी करें मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसका ब्रेकअप हुआ है कि ही शुड रिसर्च अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स हालांकि वो एक तो उससे गुजर रहा है पहले से लेकिन वो मज़दीद इस पर रिसर्च कर रहे हैं दूसरी बहुत दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि ये yeah, आइडेंटिफाई करना कि मैं इस एडिक्शन में हूँ या नहीं hmm. तो उसको बड़ी जल्दी जवाब मिल जाएगा मैं तो इससे अभी गुजर रहा हूँ ठीक है और तीसरा स्टेप डू इट वाला होता है कि यार नाउ व्हेन यू नो इट चीज़ों का नेगेटिव असरात का भी तुम्हें पता चल गया और तुम्हें पता कि ये मुझे एडिक्शन लगी भी हुई है नाउ द थर्ड थिंग इज़ कि आपने इसको ओवरकम करना ही करना है। hmm. तो उसमें जो बहुत स्टेप्स मुझे जो समझ में आते हैं ना वो ये कि वो तमाम बेसिकली स्ट्रिंग्स जो आपको वापस उन तमाम मेमरीज़ की तरफ लेके जाते हैं ठीक है चाहे वो उसकी याद हो फिर वो जैसे फ्रेग्रस की हम बात कर रहे थे और फिर म्यूजिक की, की बात करते जगह की, कर कर की बात कर रहे थे ठीक है इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे एवरी बेसिकली उस सब को इंसान को वन बाय वन जो है कट ऑफ करना चाहिए उस हर स्ट्रिंग को और उसकी जगह ऑल्टर लाने चाहिए गेट सारे खत आपको जलाने पड़ेंगे ठीक है और सारी मेमोरीज खत्म करनी पड़ेंगी और भी सकते हैं जमीन में दफना भी सकते हैं

सम पीपल वेन दे आर इन दिस यू नो डिप्रेशन फेज राट शुड आई डू राइट नाउटिंग दमोशन दीज ने चले जाते हैं और hmm. कहते हैं कि ये क्यों आ रहा है मुझे मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ hmm. और उसमें पढ़ जाते हैं एक विशेष साइकिल है जिसमें वो पढ़ जाते हैं नॉट रियलाइजिंग अगर वो अपनी एनर्जीज को इस सोच को फाइट करने में

और उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम डिस्कस कर रहे थे जिनके बचपन में हरासमेंट केसेस होते हैं जिनकी बचपन में बुरी मेमोरीज होती हैं और वो मेमोरीज अटैचड होती हैं सारी ज़िंदगी उनके साथ उनको ना हॉन्ट भी करती हैं और पूरे ख्वाब भी आते हैं तो क्या करें और सारी डिटेल में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ा ईजी है कि हम एन के थ्रू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू उनकी उसमें अब को रिमूव कर दें उनकी उनके माइंड से सबकॉन्शियस माइंड से लेकिन हम नहीं करते हैं

इमरान खान की मदर अगर कैंसर से ना मरती इट वॉज अ बैड मेमोरी अगर इमेजिन इमरान खान ठीक है अपनी मदर की इस बैड मेमोरी सारी जिंदगी पढ़ रहा था और लेजी और लेथार्जिक हो जाता तो एक ऑप्शन ही थी दूसरा ऑप्शन थी, थी कि उस मेमोरी से लेसन लर्न करना कि मेरी तो माँ मरी लेकिन किसी कोई किसी और की माँ ना मरे और उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया वेरी प्रेस बढ़ती तो अगर माजी अगर अगर आपको सबक सिखा रहा ना

आप फाइट करो कि मैं अब जो इस कमरे से निकलूंगा ना तो फिर मैं एक अच्छा भूल चुका हूँ नहीं, आपको फिजिकल नहीं, मैर्स लेने होंगे आपको जाना पड़ेगा तो 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 किसी के पास जाए आप और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाएं और ये डिप्रेशन आपको इस वजह से सिर्फ नहीं है कि आपके ईमान ही कमी है आप में अच्छा नहीं है जो शख्स है कि यार आपका ईमान कमजोर है जगह नमाजें पढ़े

उस चीज उसको खा रहे वो चीज अंदर से और उसे कंट्रोल से वो चीज बाहर और इतना खाए कि वो परफॉर्म ना कर सके नॉर्मल ह्यूमन उसको जिसम पर नुकसान पहुंच रहा हो उसको मेंटली तौर पे भी नुकसान पहुंच रहा हो उसको फिजिकली भी नुकसान पहुंच रहा हो और उसकी डे टू डे एक्टिविटीज भी जो है वो इफेक्ट हो रही हूँ और फिर उसके बाद आगे से जो डिप्रेशन की टाइप्स हैं वो भी आगे से आपने देखनी होती है। आम तौर पे अगर कोई बंदा इसमें डिप्रेशन में जाएगा भी ना वो आम तौर पे क्लिनिकल डिप्रेशन में नहीं जाएगा नहीं जाएगा बिल्कुल क्लिनिकल डिप्रेशन में नहीं जाएगा वो आम तौर पे एक्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में जाएगा वो वो टाइप है जो के अपनी थॉट्स की वजह से ही अपनी जिंदगी का कोई रीज़न ना होने की वजह से ही मकसद व्हाई एम आई हेयर का जवाब ना होने की वजह से वो उसको एकदम से यू नो रियलिटी हिट्स हार्ड एकदम से ब्रेकअप हुआ है क्योंकि वो अपने आप को उस शख्स के अंदर इतना इन्वेस्ट कर चुका था कि उसको और कुछ नजर नहीं आता था सुबह शाम मोबाइल निकाला तो वही शख्स यूनिवर्सिटी गया तो वही शख्स सोया रात को सुबह उठा तो वही शख्स ये भी मेमोरी बन जाती है भी नहीं पूरी दुनिया में एग्जैक्टली

मैं <laughs> पेल, मैं पहले तो सुन रहा हूँ मुझे पता था हाँ। लेकिन पिदर शाही मैंने पिदर आज शाही का मतलब उसके जरिए से नस्ल चलेगी आज न्यूज रहा तो उसमें ना कल अदम तहरीक और जो भी दीदार ना उनको कल अदम कहना शुरू कर दिया ठीक है और जो तहरीकें जो कि हकूमत पाने के लिए की गई थी वो ठीक है जो सियासत के लिए जंग लड़ी गई और कहा जला दो गिरा दो काट दो कत्ल कर दो जो दुनिया के लिए की गई वो ठीक है वो कलादम नहीं है लेकिन नहीं। जो अल्लाह के नबी की मोहब्बत के लिए स्थार्थ की, की गई वो कलादम बन गए मतलब जो स्पिरिचुअलिटी और दीन के लिए कोशिश की जाए वो उसको लेते लेते कर दें आप कल बना जलाओ गिराओ

अगर आप सिंसेर हैं अल्लाह से मोहब्बत करते हैं नमाज पढ़ते हैं एक सिंसेरिटी है आपके दिल में अगर आपके दिल में किसी चीज की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से टकराना शुरू कर देना या उससे ज्यादा होना शुरू कर दे अल्लाह उस मोहब्बत को तोड़ के रखे आपको अपने करीब कहने के लिए <coughs> ये उस बंदे के लिए जो वाकई में सिशियर है नमाज पढ़ता है ये मैं शेख उब की थी याद है कि अगर किसी इंसान या किसी चीज़ की मोहब्बत अगर आप सिंसेयर मुस्लिम हैं आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत के बराबर आना शुरू कर दे याद रखिए चाहे बीवी है चाहे औलाद है चाहे माँ बाप है चाहे गाड़ी है चाहे घर है पैसा है अगर अल्लाह की मोहब्बत के बराबर या उससे ऊपर जाए ना अल्लाह सला अल्ला सिर्फ आपको अपने करीब करने के लिए और जन्म से बचाने के लिए उस मोहब्बत को तोड़ के रख देंगे ताकि आपको पता हो जाए कि कुछ सब कुछ फ़ानी है एक रब की तात

और अल्लाह का रिलेशन ठीक कर लेता है ना अल्लाह ताला उसका और लोगों के साथ रिलेशन ठीक कर लेते हैं क्या बात यानी जो अपनी वर्टिकल अलाइनमेंट सेट कर लेता है उसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट हो तो जाती है तो अल्लाह अल्ला में भी ये है ना कि जो शख्स अल्लाह ताला को नाराज करके लोगों को खुश करना चाहता है बिल्कुल अल्लाह ताला खुद भी नाराज हो जाते हैं और उन लोगों को भी उस बंदे से नाराज कर देते हैं और जो शख्स अल्लाह ताला को राजी करने के लिए लोगों को नाराज कर देते हैं सिंस अदर लोगों का दिल जो है वो अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान में हादीस में आता है जिसका जब अल्लाह ताला का जी चाहता है जिसको हिदायत देना चाहता है तो फेर देता है तो अल्लाह ताला, ताला उस शख्स के लिए खुद भी राजी हो जाता है उससे और वो तमाम लोग जिनको नाराज़ किया था उसने अल्लाह की रजा के लिए उन सब से भी राज़ी करते थे हाँ तो ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट है ना हमारे सेट नहीं है इसलिए हमारे जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लोगों के साथ ये ये बस ये तालुक है लोगों का और मेरे साथ ये तालुक है मेरा और मेरा आपके साथ जब ये काटा हुआ है ना और ये डिस्टॉर्टेड है तो ये कभी भी ठीक नहीं रहेगा मैं बता रहा हूँ आपको कभी ठीक नहीं रहेगा से, ये एक... सेट है

पकी बात है। सिर्फ अल्लाह की जात के अलावा अल्लाह से जितने आप करीब होते चले जाएंगे आपको उससे मोहब्बत मजीद बढ़ती जाएगी और आप उसकी मोहब्बत में मजीद गिरफ्तार होते जाएंगे यार अब सुबह यार ये तो मैंने एक्सपीरियंस मैं किया तो मैं तो मतलब आई नो अबाउट अल्लाह तला तो वो मोहब्बत हम कहते तो है ना मोहब्बत है बहुत ज्यादा तो कहा करते थे मोहब्बत बहुत ज्यादा है लेकिन जब अल्लाह तला के बारे में पढ़ा है ना कि अल्लाह ताला तार वाक़ता कौन है कहाँ पे है अल्लाह ताला की सिफात क्या है अल्लाह ताला का बंदे के साथ मामला क्या होता है अल्लाह ताला से मोहब्बत में इतना इजाफा हुआ है और उसके जो फ्रूट्स हैं वो अपनी लाइफ में मैं देखता हूँ लोगों के तरफ से बेरगबती धोखा सेल्फिशनेस और अल्लाह की तरफ से हमेशा साथ का देना क्या बात लोग अवे, लोगों का वादों करने के बाद अवेलेबल ना होना और अल्लाह के साथ हमने दो नंबरी की और हमने कभी नहीं बनाई लेकिन उसने कभी भी अकेला नहीं छोड़ा यानी अल्लाह अकबर अल्लाह ये ऐसा दरवाज़ा है कि जिसको आप जब खटखटाएंगे ना खुलेगा आप जी खुलेगा चाहे रात को दो बजे रोते हुए खोले चाहे आप लेटे हुए हैं चाहे जहां भी हैं इवन इन योर हार्ट इन योर थॉट्स यू टॉकिंग टू अल्लाह सुभान अल्लाह हाउ ब्यूटीफुल इज दिस उज़कुरूनी फज कॉल रब्बुकुम वो जो है ना कि अल्लाह तुम्हें हुक्म दिया कि उज़कुरूनी फज़कुरुकुम कि मुझे याद करो तो मैं याद करूंगा तो अल्लाह साम आपको याद करने के लिए तैयार है हम कौन कब है जो अल्लाह को याद कर अच्छा एक और जो दूसरी है ना उस शरफ़ की वही ये थी कि मन असलह शरीर आता होनी नहीं आता हो बिल्कुल जो अपने सीक्रेट अफेयर्स ठीक कर लेता है ना अल्लाह पब्लिक अफेयर्स ठीक कर, कर लेते हैं आप अपनी सीक्रेट लाइफ को सेट कर लें अल्लाह ताला के साथ बना लें अल्लाह आपकी प्राइवेट पब्लिक लाइफ को बेहतरीन कर देगा बाद चाहता हूँ एक लोगों के लिए कि ये जो भी अभी बातें ये करंट चल रही है ना ये उस बंदे के लिए खास तौर पे निकल जो कि अभी, अभी कि you know, exactly. हम उसको ना इंटरनलाइज करें बिल्कुल, बिल्कुल। ये, ये बात ना हम लोगों को दिल में बिठा लेनी चाहिए एग्जैक्टली exactly. इसके अलावा हर चीज हर हर किस्म की मोहब्बत से हर इंसान से मायूसी होगी आपको और वो आपको धोखा देगा विलिंगली और और अनविलिंगली दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर नेचर क्योंकि इंसान जो है वो खता का पुतला है आप किसी से भी मोहब्बत करेंगे ना वो आपको किसी ना किसी मौके पर कहीं ना कहीं पर डिस करेगा सिर्फ और सिर्फ इंसान होने के नाते कसूर नहीं है तो फिर हमारा जो टॉपिक है सच्चा प्यार ये क्या होता है फिर इस पे आते हैं इस पे आते हैं क्योंकि देखिए आपने हैं। से भी, ना, इवन से भी। तो थोड़ा है उसकी भी अल्लाह की रजा होनी चाहिए माँ बाप से भी बिल्कुल अगर आप माँ बाप से भी और वाइफ से भी अल्लाह की रजा के लिए प्यार नहीं करें ना और आप उसके पाऊ दबा रहे हैं उसके पाओ मतलब उसको ख्याल रख रहे हैं शॉपिंग कर दे रहे हैं उसने कहना है कि आज तो मैं बिजी हूँ आपको मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए और तुमने इतना नहीं दिल में क्या सोचेंगे तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया तुमने ये नहीं किया क्योंकि एक्चुअली वो मोहब्बत लॉस नहीं थी बे लॉस नहीं, नहीं, नहीं थी जब आपके दिल में होगा ना कि मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ मेरा, मेरा सारी एफर्ट

जब उनका विजन बड़ा होता है ना कि मैंने रब के राजी करना है मैंने रब का चेहरा तलाश करना है मैंने बड़े काम करना है दुनिया में मैंने दीन की खिदमत करनी है मैंने पूरे लोगों को दीन पे लेके आना है, अपने को करना है वो फिर यहाँ रुकते नहीं है उनकी फिनिश लाइन बहुत आगे होती है उनकी फिनिश लाइन यहाँ पे नहीं होती सो अल्लाह की तजा के लिए इवन इमाम हनीफा अबा राहल एक दफा गुजर रहे थे तो लोग घर के साराय के अंदर खड़े हो गए धूप थी तो इमाम दूर खड़े हो गए जरा धूप में हालांकि ठीक नहीं इस्लाम है कि आप धूप में अपने में, <laughs> आप को आप आसानी तलाश करें तो उन्होंने कहा, कहा नहीं नहीं उन्होंने कहा क्यों नहीं जब फोर्स किया ना तो कहा कि मेरा मैंने इस बंदे पे एहसान किया था <laughs> मैं इसके घर के शेड से भी फायदा नहीं उठाना चाहता क्योंकि <laughs> <था। laughs> मैंने अल्लाह okay. के लिए वो किया था सो <laughs> so ये ये हो कि आपकी जो जो भी नेकी है वो अपने अल्लाह की रजा के लिए की है दिस विल जीरो ऑल योर फ्रॉम पीपल एंड दैट विल नेवर डिसअपॉइंट यू इन योर लाइफ

तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के तमाम मसाइल की ले आती है ना हमारी लाइफ में ये इसलिए नहीं आती कि अल्लाह ने आपको अजाब दे दिया या आपको परेशान डिप्रेशन में डालने के लिए नहीं टनल आप देखें कुरान क्या कहते हैं हम लोगों को छोटी छोटी मुसीबतों का जायका चखाते हैं अगर ये मुसीबत, अगर इसकी मुसीबत है भी मुसीबत है के लिए भी। तो किस लिए क्योंकि अल्लाह तक सारी पिक्चर का बता कल तुम इस बंदे से भाग रहे होगे गए क्योंकि तुम्हारा रिलेशन जब हराम था तुम्हें मौत आ गई तो तुम अल्लाह देखते हैं कि अगर ये बंदा तो ये जानने में जा रहा है बंदा इसके साथ Allah आपको दूर इसलिए करते हैं कि आपको वो जन्नत देना चाहते हैं है। तो क्योंकि इनसे होता क्या है कि से आपके गुनाह जड़ते हैं ना अल्लाह आपको वही बात कह रहे हैं कि जन्नत, में जन्नत देना चाहते हैं तो यू गो आखरा, आखरा अजाब तो बहुत सख्त है तो अल्लाह ताला जिन लोगों से मोहब्बत करते होते हैं उनको में इसलिए डालते हैं ताकि उनके गुनाह जड़ जाएं और वो उस पर पेशेंस इख्तियार करें और अल्लाह उनको वो मुकाम दे दे जो अल्लाह उनको मोहब्बत की वजह से देना चाहते हैं कहते हैं कि इंसान अपनी नेक आमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा hmm. बल्कि उस वजह से जाएगा कि जो उस पर मुसीबतेंस अक्सरियत लोग जन्नत में जा रहे होंगे सही बात hmm. हम क्या दिन बैंक होते हैं hmm. लेकिन इट इज बिकॉज अल्लाह सल मुसीबतें परेशानियां लेके आते हैं जोर करने वाले ना, उनका नहीं, वो, हम के वो वो एक थी और मेरी ये बीमारी जो है ना वो खत्म करते तुम ये नहीं चाहती की तुम इस बीमारी में रहो इस दुनिया में और आखिरत में अल्लाह तुम्हे इसकी वजह से तुम इस पर सबर करोगी उसकी वजह से तुम्हे जन्नत दे दे उसने कहा कि ठीक है मैं चाहती हूँ मैं इस बीमारी पे खुश हूँ हालांकि आपने थे कि कि ना असल में उस एपिलेप्सी का दौरा पड़ा करता था ना तो हाँ बेपर्दा हो जाती थी तो उसने कहा था कम अज कम ये दुआ कर दें कि मेरा पर्दा वो रिवील ना हुआ करेगा अच्छा सच्चा प्यार क्या होता है यार सच्चा प्यार क्या होता भी है नहीं होता व्यारे

तो मैंने अपनी इसमत को संभाला मैंने उनका इंतजार किया मैं तुम्हें मैंने तुम्हें पाला मैंने तुम्हें तैयार किया रोजाना स्कूल भेजा पीछे घर का ख्याल रखा उनके माल की हिफाजत की उनकी याद में उनको फिर इस्तकबाल किया और तुम्हारी तरबियत की ये था सच्चा प्यार ये नहीं थे कि खेतों में छलांगे मारना है और और यू नो ला 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 करते फेर रहे हैं और सही घूम रहे फेरे हैं ठीक ये जो, जो वर्ड हमने जो कॉइन किया है ना हमने जो उसका नाम रखा है ट्रू लव वाला ये ठीक है उर्फ में तो पब्लिक के लिए तो ये जरूरी है लेकिन वैसा अगर देखा जाए ना ये टर्मिनोलॉजी ही दुरुस्त नहीं है ट्रू वाली लव इज yeah. लव मैं ये पॉइंट सिर्फ, <laughs> सिर्फ मैं <laughs> ये नारा था हाँ। कि उनकी, उनकी, उनका एक मैं सिर्फ नारा, हाँ। नारा हाँ। में बोलने के बाद जो लव की डेफिनेशन है ना अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्यार की डेफिनेशन देख लें प्यार की डेफिनेशन है हाँ। और दूसरी चीज ये कि उस बंदे के लिए खैर खाई जाना यानी आपका अल्टीमेट गोल ये उस बंदे के लिए खैर खाई जाना ये प्यार की डेफिनेशन है मसला तब तो होता है जब हम लोग पीछे जिसका कल हमने बात की थी मीडिया के जरिए और माशरे के जरिए पेयर प्रशर के जरिए हम वो जो पीछे वाली बातें जो दो थी ना जो इनफेचुएशन जी थी और जो लस्ट था जो लस्ट इन दोनों चीजों को जब हमने इक्वेट कर दिया लव के साथ प्यार के साथ इक्वेट कर दिया अब लोग जो है ना वो हो हो कंफ्यूज तो यही, यह तो शायद यही है। है देने, का नाम। देने का नाम है, है, है ना इंसान को पहुंचता ही मोहब्बत है ना ये बेलॉस होने की जो सीड है ना इसे फूटती है इसका जो दरख्त है बिल्कुल मुझे नहीं मिला मुझे वो नहीं मिला ये इसको बोलते है हवस बिल्कुल इसको बोलते है लास्ट मुझे अपने टाइम नहीं दिया मुझे मोहब्बत नहीं दी मुझे अपने नहीं दिया ये ये होती hmm. होती है ये hmm. लास्ट होती है लास्ट hmm. मोहब्बत नाम ही है लोगों को देने का नवाजने का ये जो ये जो ये डायरेक्शन है ना तो जानी चाहिए hmm. इस you know, मेरी तरफ आए अच्छा आपने कॉन्सेप्ट ओपिनियन अबाउट सेल्फ लव एक्सप्लेन डिप्रेशन आप चले जाएंगड़ी और ट्रीट योर सेल्फ योर बॉडी सोल बॉडी मेनली बॉडी सोल दो चले ख्याल इट्स गुड हाँ अगर इसमें तड़का थोड़ा सही होना चाहिए ना गोइंग बैक टू योर ओरिजन

इट इज गुड जब तक इसमें देने का जज्बा भी है जब तक आप अपने बच्चों को और हसबैंड को साथ लेके जा रहे हैं, हैं।, हैं। अगर है है अगर तो ये नहीं कि वाइफ और बच्चों को छोड़ दिया मैं मी टाइम के लिए दो महीने के, के लिए, लिए मालदीव्स जा रहा हूँ या मैं वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ जुड़े तो तो बात यह कि जो सेल्फ वर्क ये कॉन्सेप्ट कि बस सेल्फिश होके सिर्फ अपने ऊपर लगाना है अपने बारे में सोचना है इससे आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा सुकून मिलता ही नवाजने से और देने से है इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है ना ऑफ कम्पलीशन का वो देने से आता है अल्लाह के ना काना उन्नास और रमजान में तेज आंधी की तरह होते थे और उनके बारे में है, आता है हो, युत आता अन मल्लम यक्षल फकर हो शेखेटे यो युत आता अन मल्ला फकर ये वो है देता कैसे है कि जिसको फकरी से डर नहीं लगता ऐसे नवाजता है लोगों को यानी उन्होंने जब पूरी वादी थी और भेड़ों से बकरियों से भरी हुई थी

आपको सही प्यार जो अल्लाह ने बताया ना में का जो वर्ड है, वो सिर्फ लाइक like करने से रिलेटेड नहीं है वो अनकंडीशनल है आपकी बीवी चाहे जैसी मर्जी हो गई है यू स्टिल लव हर नॉट बिकॉज ऑफ हाउ लुक्स लेकिन इसमें जज्बा और मेमोरीज का जो वर्ड है ना वो एक स्टेप नीचे है जब लाइकिंग बहुत इंटेंस हो जाए बहुत ज्यादा शा, आप शादी से पहले ना लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं और बहुत सेल्फिश अगर आप इसको इफ यू लुक इट एट दिस वे शादी से पहले क्या कहते हैं आई वॉन्ट यू या आई वॉन्ट हर या आई वॉन्ट तो ये स्टेटमेंट जो है ना ये कहीं से भी बेलॉस होने की, नहीं, नहीं, की या बेलिहाजी की आपको कैफियत नहीं दे रही नहीं, है ये आपको बता रही है आपकी रिक्वायरमेंट है

आप उसको मेकअप के बगैर देखेंगे जब वो प्याज काट के आपके पास आएगी जब वो उसके मतलब मोटी हो जाएगी प्रेगनेंट हो जाएगी जब तब असल पता चलेगा मोहब्बत थी या वो सिर्फ लस्ट या सिर्फ लाइकिंग थी नहीं। नहीं। तो मोहब्बत का जो टेस्ट है ना और मोहब्बत इंसान को हो जाती है ठीक है लेकिन यह है कि जैसे सुफीन अल्लाह आप देखे महदुलमोमिन को अब उनकी मोहब्बत भी थी ना और अल्लाह के ने कहा कि मतलब कुरान में भी आता है कि अगर ये दुनिया की जीनत चाहती हैं तो हम इनको दे दिला के फारह कर देंगे बिल्कुल सारी जिंदगी हजरत आयशा अठारह साल की थी यंगस्टर अभी अठारह साल की लड़की शादी नहीं होती सही बात पच्चीस बीस साल में तो हमारी शादियां हो रही है उनकी जिंदगी अलग से गुजरी अठारह साल की थी जब वो आपने वफात पाई और सारी अभी तो जवानी है अब तो सब कुछ पड़ा है लेकिन फिर भी मतलब मोमिनों पे तमाम मोमिन हराम है मोमिन लेकिन जिंदगी गुजारी उनकी बातों को याद करते करते उनको आगे फैलाते फैलाते और दुनिया की जिंदगी को चाहा ही नहीं

तो आप अपने वालदेन के पैसों के ऊपर पल रहे हो तो आपने कैसे आप कर पे नहीं, नहीं हुए हैं, भाई। हम किन चल रहे हैं? हम कि आप पे पे, पे है क्या? रहने पर किसी को इतराज नहीं है इतराज किस पे है की शादी कोई कर ले तो जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं इसी लॉजिक को उठाते हुए जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तब वो खर्चे कहाँ से पूरे कर रहा होता हैं उस गर्लफ्रेंड के

अपनी कंपेटिबिलिटी की औरत चूज करें लोग कहते हैं ना वो जो हदीस में है ना कि आप चार चीजें देखो तकवा तकवा तो लास्ट में आता खैर दुनिया यानी उसका स्टेटस देखो लीनज <coughs> देखो खूबसूरती देखो और तकवा उसको चूज करो जो तकवे वाली है डेफिनेटली हमें तकवे को तो चूज करना है लेकिन मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ कि जब आप किसी को देख रहे हैं ना तो अपनी कंपेटिबिलिटी पहले लाजमी देखें क्योंकि अगर वो आप कि कंपेटेबल है ठीक है या मिसाल देता हूं, अगर वो कंपेटेबल नहीं है आपके साथ लेकिन उसमें दीन है तकवा है उसमें लेकिन वो कंपेटेबल नहीं है या कंपेटेबिलिटी को जरा डिफाइन करें क्योंकि लोग ये तो कहते हैं कि वी नीड टू गेट इन रिलेशनशिप टू सी वेदरस्टैंडबल बहुत चीजें आती है इट्स वास्ट स्टेटस फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है मेंटल हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने भी कुछ बेसिक पढ़ा नहीं मिलेंगी आपकी मां मिलेंगी hmm. आप भी महरम की मौजूदगी में उनसे yes. आ, एक से दो से तीन डिस्कशन कर सकते हैं बात कर सकते हैं मेहरम की मौजूदगी में उनको देखने के लिए घूमने उठाया तो भेंगी थी वो ठीक है तो ये सरप्राइजेस था या भहंगा था ठीक है तो ये जो एक श, इसको बोलते हैं नजर शर्खना शर्या वो, दे, वो देखना, देखना जिसको शरी आ, उसमें शरीर है ताकि आप बात कर लें और देख लें कि इनका जहन क्या है फ्यूचर प्लान क्या है और सारी चीजें तो ये चीज अगर तो कंपेटेबल है और दीन भी है तो आइडियल है लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कंपेटेबल नहीं है और दीन था उसमें और आपने रिजेक्ट कर दिया उसे तो वट वट द दीन घाटे hmm. का सौदा घाटे का सौदा कर दिया आपने और अगर मैं कह रहा उसको आपने रिजेक्ट किया तो दीन को रिजेक्ट कर दिया hmm. और अगर फॉर एग्जाम्पल कम्पेटेबिलिटी थी लेकिन दीन नहीं है उसमें hmm. तो तब आपने रिजेक्ट किया तो आपने दुनिया को रिजेक्ट किया दिन को रिजेक्ट नहीं किया सो इसलिए ऑलवेज लुक फॉर समन जो जो कि कम्पेटेबल हो आप उसके साथ एक अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं और फिर देखें उसमें दीन भी लाजमी हो तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करें डोंट रिजेक्ट द दीन और हमेशा ये चीज देखें कि ये वो शख्स होगी या अगर लड़की है तो होगा या होगी जिसके साथ आपने जन्नत में भी टाइम गुजारना है हमेशा हमेशा का क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ना हैपीली एवर आफ्टर वो सिर्फ वो इस्लामिक कॉन्प्ट है ये इस्लामिक कॉन्प्ट है किसी दीन का नहीं है और किसी एथियस का नहीं है उनके तो हाँ खैर शादी होती नहीं है वॉक इन और वॉक आउट होते हैं इस्लामिक कॉन्प्ट है कि जो आपका निकाह में होता है ना

I'll work with it. हुँ, हुँ. ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ इस तरीके से ढूंढते हैं ना अपना स्पाउस, एक जो उनकी शादी होती नहीं है पहली बात। हुँ. और अगर हो भी जाती, उनको मिल भी जाता है ना तो इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है ना उस इंसान से क्योंकि इंसान उन्होंने तो मैं समझता हूँ जब शादी की जब बात हम वहां पहुंच गए शादी की जब बात हैं तो हमेशा याद रखें कि कॉम्प्रोमाइज जो है ना वो शादी का एक बहुत बड़ा मैं कहता सबसे बड़ा पार्ट कॉम्प्रोमाइज है शादी का अगर आप कॉम्प्रोमाइज अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है तो आप यू नॉट रेडी टू गेट मैरिड आपको तैयार रहना है कि ऐसा शख्स है जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है डिफरेंट तरबियत से आ रहा है डिफरेंट माइंड वाला बंदा है दो भाई आपस में नहीं मिलते तो आपको गुजारा उसके साथ करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों के अंदर और ये अपने जहन में आप बिठा लें अगर आपको ये लगता है ना कि नहीं बिल्कुल हर तरह मेरे तरह मेरे का ही माहौल होगा और कम्प्रोमाइजान हो हो है लंबी तो तो मैं मैं बात नहीं करूंगा मैं सब इतनी बात करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मिसाल अगर दू ना तो मेरी और मेरी वाइफ के अंदर जो कॉमन चीज़ें है वो बहुत थोड़ी सी हैं अगर आप उनकी लाइफ देखें पास देखें और अगर आप मेरी देखें

पॉजिटिव और नेगेटिव इंसान नहीं होता पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है हर इंसान में कुछ अच्छाइयां तो कुछ बुराइयां भी होती हैं देर इज नो आइडियल फैमिली इन इस्लाम नो आइडियल फैमिली आप लूद को देख लें उनकी बीवी बीबी नूसलाम की बीवी इब्राहिम के जो है ना उनका बच्चा काफी अरसे बाद औलाद मिली ठीक है फिर आप हजरत आसिया पायस वाइफ एंड ईवल हजब नू है लूद पायस हसबैंड ईवल वाइफ आप ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके बच्चे काफिर थे खुद नबी हैं ठीक है याकूब के बच्चे जो थे वो नाफरमान थे so बहुत सारे अल्लाह ताला ने ना कुरान में हर किस्म की बयान है, ठीक mm. जिसमें हम कर सकते हैं लेकिन टॉपिक इज आज का जो था, था ब्रेकअप से शादी तक शादी की मैरिड लाइफ उसको हम फिलहाल

गेट मैरिड बट ये देख लें कि आर यू मैरिड आर यूल टू यू नो गेट मैरिड और नॉट अभी तक पबजी तो नहीं खेलते नहीं खेलते आप मेच्योर हैं या नहीं है ठीक <laughs> <थीके> है आप <laughs> ये तो नहीं कि किसी को बर्बाद कर देंगे तो लेकिन जनरल जो रूलिंग है इस्लाम की हुई है कि जल्दी शादी का पसंद किया गया है अल्लाह तिस्क के दरवाजे भी खोलते हैं और आपकी जिंदगी में बरकत है और दिस इज हाफ योर दीन दिस कम्प्लीट यी और वैसे एक और बात भी है कि इस्लाम में एक बंदा जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता अपने अपने आप को होल करने के लिए बिल्कुल जैसे आपकी खूबसूरती है या आप एज ए पर्सन यू आर होल व्हेन यू जैसे जाहिर जा रद थे अल्लाह के पीछे से आया और उनको पकड़ लिया और कहा कौन मुझसे ये खरीदेगा कौन मतलब जोकिंग ली और कहा कि कौन मुझसे खरीदेगा आपने कहा जाहिर ने किस मुझे कौन खरीदेगा मैं तो बड़े अगली थे वो लुक्स में नहीं मुझे कौन खरीदे मुझे कौन पसंद करेगा उन्होंने कहा अल्लाह की नज़र में तुम बहुत पसंद इंसान हो यानी आपकी लुक्स आपका माल आपका घर ये मैार नहीं है आपका वैल्यू और आपकी सेल्फ वर्थ क्या है आपका रब आपके बारे में क्या सोचता है और आपका रब से ताल्लुक कैसा है तकवा सो डोंट डोंट डिपेंड योर सेल्फ वर्थ ऑन पीपल्स माउथ

और उस यही एग्जैक्टली exactly क्वेश्चन था कि मेरे ना ग्रेड्स अच्छे नहीं आते और मेरे लाइफ में यही है मसले हैं तो मुझे मेरे घर वाले और सब लोग कहते हैं कि यार यू आर अ कंप्लीट फेलियर तुम कभी कुछ नहीं बन सकते यार थी ने जो उनको एडवाइस दिया अल्लाह होकर मैं बल्कि कोशिश भी करूँगा कि ये डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक दें उसका सब टाइटल्स में इंग्लिश सब टाइटल्स हैं उसकी यार अमेजिंग ये एग्जैक्टली exactly उसका जो एसेंस है ना वही यही है कि as as Allah, ना, तो यू विल बिकम सक्सेसफुल इन दिस लाइफ नो मैटर आपके बाकी ग्रेड्स ग्रेड बाकी जितनी चीजें ये जैसी मर्जी हैं अल्लाह ताला कुरान में भी तो फरमाता है ना कि इन अकरमकुम अकरम कितनी मतलब क्लियर आया था और कितनी नहीं। नहीं। बड़ी आया था कि अल्लाह ताला के नजदीक तुम में से नोबल नोबल सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक कौन है ये ग्रेड्स वाला ये अच्छी खूबसूरती शक्ल ये वो चीजें नहीं है

इस्लाम से मोहब्बत करने वाला बनाए और जितने भी इस्लाम के अलावा और जो गुमराहिया हैं जो शैतान के जो और अंधेरे हैं उनसे बचाए और नूर की तरफ हिदायत देर फॉर ये हम इनशाला ऐसा भी प्लान करें भी कॉमेंट फीडबैक और कुछ क्वेश्चंस इंशाल्लाह mm -hmm. हम एक दो दिन से जब जैसे ही हमारा एलसीडी फिक्स हो जाती है हम आपके लाइव इंशाल्लाह लेना शुरू करेंगे सो स्टे ट्यून्ड कल आपसे मिलते हैं इलेवंथ आवर पे शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स बारक लफीकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू